हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मीडियम का यूज़, कौन से मीडियम का यूज़ किस कलर में करना है वो उनको पता नहीं होता है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है कि मीडियम को यूज़ कैसे करें और कितना नंबर का मीडियम किस में यूज होगा। यहाँ आप देख रहे हो मेरे हाथ में दो मीडियम के बॉटल हैं, एक एक नंबर है और एक दो नंबर है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक नंबर मीडियम को किस में यूज़ करना है और दो नंबर मीडियम को किस में यूज़ करना है। आप देख रहे हो गोल्डन कलर है मेरे पास, जिसमें हम दो नंबर मीडियम यूज़ करेंगे। गोल्डन एंड सिल्वर दो ऐसे कलर हैं, या जो भी डस्ट में आते हैं कलर, पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसको हम दो नंबर के मीडियम के साथ उसको कलर मिक्स करते हैं कलर को। तो मेरे पास दोनों हैं, आप देख सकते हो। प्लेन वाले जो कलर आते हैं, जैसे येलो हो गया, पिंक हो गया, वाइट, जितने भी आते हैं उसमें हम रेड हो गया, ब्लैक हो गया, इस सब में एक नंबर मीडियम का यूज़ करते हैं। और सिल्वर में और गोल्डन में हम दो नंबर मीडियम का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो ये 912 नंबर का गोल्डन कलर है, जिसको हम दो नंबर मीडियम के साथ मिक्स करेंगे। देखिए आपको मैं क्या कहते हैं, सिल्वर का जो कलर है वो पाउडर के फॉर्म में आता है। आप देखो ये पाउडर के फॉर्म में आता है। इसको आपको लगभग यूज करने से लगभग लगभग 12 घंटे पहले, 14 घंटे पहले इसको आपको मिक्स करके, मीडियम के साथ मिक्स करके आपको रखना है अलग से। फिर 12-14 घंटा बाद आपको इसको यूज़ करना है। आप जस्ट इसको मिक्स करोगे तो यूज़ नहीं कर पाओगे। मेरे पास कुछ गोल्डन गोल्डन से बने हुए मटेरियल है, साड़ी है, ब्लाउज है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ये गोल्डन से बने हुए, गोल्डन का जो आता है सीसी छोटा सा, वो बना बनाया आता है। बस उसमें आप दो नंबर मीडियम मिक्स करो, वो बहुत थिक होता है, तो थोड़ा सा उसका नेप पे यूज़ करने के लिए उसको पतला करना पड़ता है, जिसके लिए आप दो नंबर मीडियम यूज़ करके मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हो। देखो ये गोल्डन कलर है, इसमें मैंने पहले से दो नंबर मीडियम मिला के रखा है, तो मैं इससे आपको बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि ये चलता कैसे है निब पे। देखिए तो इसके लिए आप, मैंने कि पहले भी सारे वीडियो में बताती हूँ कि आप जो भी मोटिव्स बनाना चाहते हैं, जो भी चिड़िया या मोर या मछली जो भी बनाना चाहते हैं, उसका पहले आप एक हार्ड पेपर पे उसको ड्रॉ करो, फिर उसको कट करके निकाल लो और फिर उसको यूज़ करो, ताकि सारे जितने भी शेप हैं सब एक साइज़ में आए। अगर डायरेक्टली आप बनाओगे तो एक साइज़ में नहीं आएंगे, तो कट करके पेंसिल कर लीजिए, आउटलाइन थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इस साइज़ का बनने वाला है। और अंदर का जितना भी फीलिंग होता है आप हाथ से कर लो, नए हो तो पेंसिल ही कर लो, अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप हाथ से ही हो जाएगा। नीब के लिए भी मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार मुझे बोला जाता है कि ये आप होल्डर कैसे यूज़ करते हो होल्डर के, तो मैं होल्डर नहीं खरीदती हूँ। मैं जो भी पुराने जो होते हैं पेन के कवर होते हैं खाली वाले, मैं उसको यूज़ करती हूँ। और मैं कहती भी हूँ कि आप होल्डर मत लो, आप ये पेन का कवर यूज़ कर लो इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे कितना इजीली इसको पेन के होल्डर में फिट कर लिया है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि ये गोल्डन चलता कैसे। गोल्डन कलर को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अच्छा लगता है चलाने में, आप ट्राई करो। देखिए कुछ इस तरह से गोल्डन कलर चलता है। नए नए हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही आप इसको बनाए, नहीं तो कलर इधर उधर जो खराब होने का डर रहता है, क्योंकि ये कलर सब होते हैं एक बार चढ़ जाता है फैब्रिक पे फिर वो हटता नहीं है, तो आप धीरे धीरे ही ट्राई करो बनाना। मैं जितने हाथ से बना रही हूँ, आप अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो डायरेक्टली बनाएं, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो पहले आप पेंसिल कर लो फिर बनाओ। देखिए धीरे धीरे ये बन के तैयार हो रहे हैं।
मैं यहाँ मोड़ बनाई हूँ पूरे बॉर्डर में, आप चाहो तो दूसरे डिजाइन भी डाल सकते हो। आप जो दूरी है उसका भी ध्यान रखना है, दोनों के बीच का दूरी होता है वो भी आपको एक सा रखना है अगर आप बॉर्डर बना रहे हो तो। देखिए मैंने साड़ी के बीच का जो दूरी है मोड़ का उसका गैपिंग एक जैसा रखा है ताकि सेम सेम फ्लावर आ जाए। देखिए इस तरह से स्केचिंग का नीब है, हमेशा आप जो है थोड़ा चौला रखिए क्योंकि आउटलाइन थोड़ा चौला रहता है तो निखर के आता है, और कचनी का जो नीब है वो थोड़ा सा पतला रखिए। तो कचनी जो होता है थोड़ा महीन होता है और स्केचिंग हल्का मोटा होता है। आप जैसे कि देख सकते हो कि आउटलाइन जो होता है वो हाईलाइट करता है तो डिजाइन देखने में खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से ये कचनी वाले नीब मैं यूज़ कर रही हूँ, हालांकि दोनों नीब सेम होते हैं। कभी कभी व्यूअर्स पूछते हैं कि आप कचनी में दूसरा दो दो ही नीब यूज़ करते हो, ये अलग होता है वो अलग होता है, कोई अलग नहीं होता है, सारे नीब सेम सेम ही होते हैं। एक ही नीब थोड़ा वो घिस जाते हैं, मोटे घिस घिस के आप मोटा कर लो आउटलाइन के लिए, और न्यू वाले से आप कचनी में उसको यूज़ करो। कोई दो टाइप के नीब नहीं होते, एक ही टाइप से बनता है। देखिए ये बनके तैयार हो गए। और मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे दिए हुए जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी दी हुई जानकारी से कैसा लगा। देखिए फास्ट, अगर आप न्यू हो तो फास्ट फास्ट मत करना, थोड़ा स्लो करना, जब सीख जाओगे तब फास्ट फास्ट करना। और कलर को हमेशा केयरफुली रखना फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि ये गिरा और कहीं पे स्प्रेड हुआ तो वो हटने वाला नहीं है। कलर को सूखने दे, थोड़ा सा 2-3 मिनट का वेट करे, फिर उसको इधर उधर घिसकाए, जस्ट करके इधर उधर नहीं करना है तो लग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक।